नमस्कार, मैं हेमंत तोतावर हेमंत टीवी चैनल से आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत में उथल पुथल चल रही है, भारत जो है देख सकते हैं गृह युद्ध से विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ मैं अभी बता रहा हूं। भारत की दिल की धड़कन आप देख सकते हैं और जिस तरीके से चारों तरफ से तूफान मचा है, एक तरफ एनआरसी सीएए एनपीआर और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ चाइना। मैं बताऊंगा कि भारत के चारों तरफ बहुत ही दुश्मन है। अभी सीएए लागू हुआ है मैं बता रहा हूं, और ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय वो अल्पसंख्यक छोटे में नहीं रहे, वो बहुत बड़े रूप में हो गए हैं और उनको सीएए का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है, माने कानून बन चुका है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि इस ये जो कानून है ये यथागत माने ऐसे ही रहेगा। और उसकी जो भी है प्रतिक्रिया मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये कानून बना है, मतलब मैं बताऊंगा कि जैसे कि बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर 27% हिंदू थे जो अभी घटकर 3% हो गए हैं, लेकिन अभी और गणना की गई तो 1.2% पाकिस्तान में हिंदू है, तो बाकी हिंदू गए कहां, या तो उनका कत्लेआम कर दिया गया जिस तरीके से कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम करके 5.5 लाखों को एकदम सरेआम काट दिया गया, मार दिया गया, या फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, या फिर उन्हें ये बोल दिया गया कि तुम यहां से भाग जाओ, तो कुछ लोग जो है वहां से भागकर हिंदुस्तान आ गए, कई लोग धर्म परिवर्तन कर लिए और बाकी लोगों का उन्होंने सरेआम कत्लेआम कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के नाम से ही जाना जाता है, यह आपको मैं जानकारी बताऊंगा। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं बंगाल में रहता हूं और बता रहा हूं कि करोड़ों की संख्या में 10, 20, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं, करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो पूरे हिंदुस्तान में घुस के चारों तरफ छा गए हैं। अगर बंगाल में अगर आप ये आंकड़ा निकालेंगे कि कितने बांग्लादेशी घुसे हैं पश्चिम बंगाल में, तो मैं बताना चाहूंगा कि 1.5 से 2 करोड़ के आसपास जो है बांग्लादेशी घुसपैठी खाली बंगाल के अंदर मिल जाएंगे आपको, जिसमें अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष है यहाँ के जो दिलीप घोष फिर मैं बताना चाहूंगा, दिलीप घोष उन्होंने वादा किया है कि मैं 1 करोड़ बांग्लादेशियों को निकालकर बाहर फेंक दूंगा, और ये बात सही है। और जिस तरीके से वो जिस भारत के जो संसाधनों का यूज करते हैं, जैसे चावल हुआ, गैस हुआ, लैंड हुआ, जमीन हुआ, वो लोग आगे सीधा यहीं पर करते हैं, फर्जी धड़ल्ले से फर्जी उनका राशन कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, वोटर कार्ड बन रहा है, और कुछ राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा उठाने के लिए उन लोगों का सब कुछ बनवा देती है और वो उनके वोट बैंक हो जाते हैं। और वो लोग यहाँ आकर किस तरह का धंधा करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ आके अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और यहाँ पर सेक्स रैकेट, जितना बांग्लादेशी का सेक्स रैकेट है, जो लड़कियां सप्लाई वहां से होती है, जो लड़कियां होती है, मैं फिर बताना चाहूंगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा, सारा का सारा सेक्स रैकेट बांग्लादेश से ही आता है, जितनी भी लड़कियां सप्लाई होती है वो आप इस एरिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये फैल चुका है कि बांग्लादेश में जो लड़कियां होती है जो गरीब दर्जे की होती है, वो हिंदुस्तान बॉर्डर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बॉर्डरों के द्वारा वो एंट्री कर जाती है, और ऐसे भी बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान भिखमंगे के भिखारियों के रूप में आ चुका है, तो यहाँ आके वो इस तरह का धंधा करती है। और जो पुरुष आते हैं वो यहाँ आकर खून मिल जाते हैं, आप अखबार में अभी देखा होगा कई जगह पर कि बांग्लादेश से आए हुए लोग अपना नाम परिवर्तन करके कोने कोने में छा गए हैं, कोने कोने में घुस गए हैं। आज जो ये आंदोलन का जो विरोध देख रहे हैं, ये आंदोलन एक राजनीतिक षड्यंत्र है, फिर मैं बताना चाहूंगा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र बन चुका है, जिसके अंदर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो इसमें लिप्त है, कन्हैया कुमार, चंद्रशेखर, मैं बता रहा हूं ये जो नाम मैं बड़े बड़े बता रहा हूं, ये इसके अंदर अच्छी तरह से पूरी तरह से लिप्त है। इन्हें पता है कि ये एक मुस्लिम वोट है, और मुसलमान जो हमारे यहाँ के जो भोले भाले मुसलमान है, जो इंडिया के जो भोले भाले मुसलमान है, उनको इन्होंने आधार बनाया है, जो बाहर से आए हुए आतंकवादी, जो पाकिस्तान के आतंकवादी है, बांग्लादेश के आतंकवादी है, जो अफगानिस्तान के आतंकवादी है, और मैं बताना चाहूंगा वर्मा से आए हुए रोहनी मुसलमान जो कि बांग्लादेश वर्मा से आए हुए हैं, वो इतने ज्यादा आ गए हैं भारत के अंदर,
तो भारत में जिस तरीके से आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है कि पूरे भारत में ये इतने स्टेट से जो आए हैं, मैं तो खाली करोड़ों लोग तो बांग्लादेश से बताया हूं, और सब स्टेट को मिला दिया जाए तो कम से कम 10 करोड़ से ऊपर, फिर बता रहा हूं। अब आप बोलेंगे जनगणना कैसे कर लिया, जैसे ये जो CAA के जो प्रवक्ता जब बैठते हैं वहां पर डिबेट में तो वो बोल रहे 80-85%, मैं फिर बता रहा हूं 85% उसके साथ जनता है। कितना झूठ बोलते हैं कि मतलब झूठ का कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि कम से कम 10 करोड़ जो लोग हैं घुसपैठिए पूरे भारत में घुस रखे हैं। भारत की जनसंख्या आज 137 करोड़ 40 लाख पार कर चुकी है, 137 करोड़ 40 लाख से ऊपर जनसंख्या पार कर चुकी है, जिसके अंदर 10 करोड़ से ज्यादा जो मुसलमान है आतंकवादी, जिसे आतंकवादी बोला जाएगा, जो चोरी छिपे घुसे हैं वो पूरे भारत में छा गए हैं, और पूरे भारत में छाकर पूरे भारत का जो भारतीय सरकार जो उसको सुविधा देती है वो सारी सुविधा वो लेते हैं, जो बेचारे भारत के मूल निवासी है, बोले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो या बौद्ध हो या कोई भी हो, वो उनको सुविधा नहीं मिल रही है, बेचारे आदिवासियों को नहीं मिल रही है। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि मुसलमान एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि हिंदू अलग और दलित अलग। देखिए ये पागलपन मुसलमानों में, शिया सुन्नी में, जो सारे खुद अलग अलग है, जिंदगी भर एक दूसरे का गला काटते आए हैं, इनके मस्जिदों में हमेशा बम गिरता है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, वो हिंदुस्तान में आके जाति को अलग अलग बता रहे हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़े मूर्ख है, वज्र मूर्ख है। चंद्रशेखर इसके पास क्या चला गया और कुछ रेत बराबर लोग उनके साथ क्या चले गए, पूरे भारत में कुछ रेत के कण के कण के कण के कण के कण बराबर उनके साथ क्या चले गए कि ये पागलों की तरह उछलने लग गए मुसलमान जो यहाँ के हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा, जो मूल मुसलमान है, जो मूल माटी के मुसलमान है, जो यहाँ पर 1947 से यहाँ बसे हुए हैं, वो मुसलमानों को धर्म की आड़ में बेवकूफ बना के, मूर्ख बनाकर, पागल बनाकर, अपने भाईचारा दिखाकर, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई बताकर उनको बेचारे को CAA में घसीट लिया। और जितने ज्यादातर मुसलमान आपको मिलेंगे, आप उनकी खोजबीन करेंगे तो वो सब के सब पाकिस्तान के आतंकवादी, बांग्लादेश के आतंकवादी, अफगानिस्तान के आतंकवादी, और वर्मा से भागे हुए जो मुसलमान आतंकवादी है वही मिलेंगे आपको। ये बात सही है, अगर आप बंगाल में होते तो बंगाल की राजनीतिक समझते। बंगाल में करोड़ों मुसलमान, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, मुसलमान की जो छावनी बनी हुई है यहां पर, सब बांग्लादेशी मुसलमानों की छावनी बनी हुई है, अपनी आंखों से देखा, और अपनी आंखों से मैं देख के आया कि वो लोग जो है एक धंधा करते हैं, धन औरतें जितनी भी होती है सब धंधा करती है, और जो बहुत गरीब स्तर के मुसलमान होते हैं जो बांग्लादेश से आते हैं, बहुत गरीब होते हैं, आप शनिवार के दिन, आपका अगर कोई परिचय वाला यहाँ हो कलकत्ता में, तो शनिवार के दिन आप देखेंगे कि वो मुसलमान भीख मांगते हुए घर घर, दुकान दुकान, ऑफिस ऑफिस, रास्ते में मिल जाएंगे, पूरा बड़ा बाजार पूरे कोलकाता क्षेत्र में, फिर यहां से लिया गया बांग्लादेश में कई गुना करते हैं। और बॉर्डर जो है, बांग्लादेश की बॉर्डर इतनी बड़ी है कि कहां कहां फौज तैयार की जाए, कहां कहां आर्मी को रखा जाए, कोई नहीं है। ऐसे है कि मैं यहाँ खड़ा होकर एक कदम थूकूंगा या बाथरूम करूंगा तो वो बांग्लादेश की बॉर्डर पर गिरेगा, मतलब बॉर्डर जो है इस तरह से सटी हुई है। लोगों का कुछ हिंदू लोग इधर रहते हैं तो उनका खेत मतलब बांग्लादेश में चला जाता है, और कुछ बांग्लादेशी इधर है तो उनके वो पानी भरने के लिए हिंदुस्तान आ जाते हैं, इस तरीके से बॉर्डर मिली हुई है। इसी की आड़ में वो फायदा उठाकर हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, और जब हिंदुस्तान में घुस जाते हैं तो और एक और चीज बताना चाहूंगा कि बांग्लादेशियों से, कुछ बांग्लादेशियों से हमारी झड़प भी हुई है अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले बहुत आर पार की लड़ाई हो गई, कुछ बांग्लादेशियों से हमारी बहस हो गई, यह अलग बात है, चलिए उसके विषय में छोड़ता हूं। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी राज की बात भी बताना चाहूंगा कि जो बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुसकर ट्रेनों में, बसों में, रेल में जो हिंदुस्तान में घुसते हैं, उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट बांग्लादेशी को देता है, पाकिस्तानियों को देता है, मुसलमान देता है, वो सारे के सारे मुसलमान एरिया में जाके जैसे तैसे बच जाते हैं। मैं उनको एक महीने के, मैं बता रहा हूं जो मुसलमान एरिया में एक महीना रुक जाएगा, मैं उसे एक महीने की रहने के लिए, मैं हेमंत तोसावर
एक महीने का पूरा रूम का भाड़ा दूंगा, वो एक महीना मुसलमान की बस्ती में रह के दिखा दे। जो हिंदू उनका सपोर्ट कर रहे हैं, झूठा सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हिंदू लोग भी फंस रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं, वो एक महीना उनके बस्ती में जाकर उनके साथ रहकर बिता दे। चैलेंज के साथ दे रहा हूं, वो चार दिन में भाग के आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो खान पान रहन सहन जो उनके है एक राक्षसों से ज्यादा हो गया है। और जो बेचारे मूल मुसलमान है वो खुद दबते जा रहे हैं। दुनिया के बच्चे हैं, चार शादियां करते हैं, 40-50 बच्चा पैदा करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण उनके ऊपर है ही नहीं। तो ये जो जनसंख्या बढ़ी है ये मुसलमानों की बढ़ी है, सबसे बड़ी मैं बताना चाहूंगा। और अभी जनसंख्या कानून लागू होगा, मैं आपको यहीं से गारंटी के साथ बोलता हूं, सबसे पहले मुसलमान लोग जनसंख्या कानून के ऊपर अंगली टेकेंगे और मानने को तैयार नहीं होंगे। अब वो कुरान का, इस्लाम का, किस किस चीज का उठा उठा के आपको मतलब ये करेंगे, ये आप समझ ही चुके होंगे कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा कोई भी करो। और सेकुलर क्या होता है, हिंदू कभी अपने आप को सेकुलर नहीं बोलता। अब ये संविधान की बात करते हैं, संविधान जो है आपको मैं बताना चाहूंगा, आप संविधान की बात ना करें तो ही अच्छा है, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के लिए आज तक मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। आज जो महिला लोग उतरी हुई है जितनी भी, उनको सब पता है कि वो सब बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की है, वर्मा की है, जितनी महिला है, पुरुष है, सबको पता है कि हम बाहर के हैं, इसीलिए वो बैठे हैं। अगर वो देखिए चोर मचाए शोर, एक बात ध्यान रखिएगा। और जो शाहीन बाग के अंदर हो रहा है नौटंकी ड्रामा, कहां कमाने के लिए, और हम आ जाते हैं पीछे से, शाहीन बाग के अंदर राजनीतिक जिसके अंदर ये सारी पार्टियां घुसी हुई है, कांग्रेस वगैरह, एसपी वगैरह, सीपीएम सारी, और कन्हैया कुमार तो वहां जाकर नौटंकी करते ही है, चंद्रशेखर भी करते हैं। तो शाहीन बाग एक राजनीतिक पार्टी का देन है, मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी, धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक देन है, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। और जितना और बीजेपी भी उसको इसलिए नहीं हटा रही है, उससे एक चीज तो साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत बड़ा लाभ हो गया है, क्योंकि शाहीन बाग से लोगों की आंखें खुल चुकी है, समझ चुके हैं कि किस तरह की ये कौम है। और ये जो बैठे हुए हैं, मैंने जैसे कहा चोर मचाए शोर, जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं, पाकिस्तान आतंकवादी वगैरह है, जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, वर्मा के भागे में, वो सब आंदोलन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हिंदू हमारे साथ है। अरे काहे का हिंदू साथ है, कहां का हिंदू साथ है, चार हिंदू अगर आपके पास चले गए तो आपका साथ हो गए है। अरे इतने 130 करोड़ की जनता जो है वो आपके साथ नहीं है, और आप चार हिंदू जाने से आपके साथ हो गए। 130 करोड़ की जनता है वो आपके बिल्कुल साथ नहीं है, कुछ हिंदू जो है आप भाईचारे के तौर पर भला फुसला कर ले गए, तो हिंदू आपके साथ कैसे हो गए भाई। जब लट पड़ी तो सबसे पहले हिंदू भागा, अभी 144 धारा लगी हुई है, सबसे पहले हिंदू भागा, उसके बाद ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि अब पहले जो शुरू शुरू में जो जोश में तो बैठ गए, अब मान सम्मान इज्जत की बात आ गई। जब वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हमको उठाए तो हम उठेंगे, वो नहीं आ सकते हैं तो अमित शाह उठा ले, वो नहीं आ सकते तो अपना कोई बंदा को भेज दे हमको उठाने के लिए, हम छोड़ देंगे जगह शाहीन बाग में। अरे बजर मूर्ख, इतना मूर्ख है ये लोग। राजनीतिक पार्टी ने आपको मोहरा बनाया, राजनीतिक जितनी भी पार्टी है आपको उल्लू बनाया, हमेशा से आप राजनीतिक पार्टी की कठपुतली बनी रही। आज महिलाओं को बच्चों को आगे किया, कोई डरने की बात नहीं है, वो महिलाएं बच्चे जो 5.5 लाख बच्चे मर गए है, जिसमें सबसे ज्यादा दोगला पन मुसलमानों में देखा गया, कहां कश्मीर में 5.5 लाख बच्चे कैसे मारे गए, 5.5 लाख जनता हिंदू पंडित कैसे मारे गए कश्मीर के अंदर, पड़ोसी ने पड़ोसी का राज खोला, ये तो आतंकवादियों को कैसे मालूम चला कि पड़ोसी में हिंदू रहता है, सब पड़ोसियों ने बताया कि यहां हिंदू रहता है, यहां हिंदू रहता है, वो आके सीधा उसी के घर में आकर अटैक किए। और क्या बोला गया कि अपनी महिलाओं को यहां छोड़ दो और भाग जाओ, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, या तो जान से मार देंगे, कुछ समझ में आ रहा है, और तीसरा ऑप्शन या धर्म परिवर्तन कर लो। तीन ऑप्शन रखे गए उसके सामने, और महिलाओं के साथ बलात्कार पर बलात्कार हुआ है, गैंग बलात्कार हुआ है, जो गैंग बन के एक एक महिला के साथ 50-50 लोगों ने बलात्कार किया, ये सामने आ चुका है, और महिलाओं को रखेल बना दिया गया है। यही वही मुसलमान है जो कश्मीर में आतंक फैलाए थे 19 जनवरी 1990 के अंदर, यही वो मुसलमान कौम है जो आतंकवादी है, जिन्होंने सरेआम कत्लेआम सरेआम नरसंहार कर दिया पूरे भारत भारतीयों का, ये वही मुसलमान है
जो चारों तरफ पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। मगर शुक्र है कि भारत के जो मुसलमान हैं, भोले भाले मुसलमान, आज वो बचे हुए हैं। तो खाली हिंदुओं की वजह से भारत में रहते हैं, जो भारतीय है उसके वजह से बचे हुए हैं। है तो मैं बोलता हूं कि भारत सरकार आपको पैसा देगी, पाकिस्तान रह के आओ 6 महीना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया जाके आओ, आपकी औकात पता चल जाएगी कि वहां के मुसलमान किस जात के हैं और राक्षस है, राक्षस। और अब आपके बीच में है, सुनिए, हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सबसे पहला बात तो ये, आप जो सोच रखे हैं कि हिंदू जिस तरह से बड़ी बड़ी क्लिपें आ रही है कि हिंदुओं को कत्लेआम कर देंगे, कोई बोल रहा है कि हम पूरी आग जनी कर देंगे, कोई बोलता पूरे भारत भर में आग लगा देंगे, आप माचिस की तिल्ली नहीं लगा सकते। अगर एक हिंदू मारा गया तो 1 लाख मुसलमान मारे जाएंगे, 1 लाख मुसलमान मारे जाएंगे अगर एक हिंदू मर गया तो। मैं फिर बोल रहा हूं, कारण है वो बेचारे जो भोले भाले मुसलमान हैं, वो उसकी चपेट में आ जाएंगे। मारेंगे कौन? जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। उपद्रव कौन कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं और वनवासी आए हुए मुसलमान, वो उपद्रव कर रहे हैं। उसकी आड़ में जब हिंदू उठकर आएगा तो 1 लाख एक आदमी के ऊपर 1 लाख मुसलमान मारे जाएंगे। बेचारे जो भोले भाले मुसलमान है वो भी मारे जाएंगे। कारण है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो बेचारे भोले वाले मुसलमान है, जिनका यूज कर रही है राजनीतिक पार्टियां, यूज कर रही है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा से आए हुए जो मुसलमान अवैध रूप से आए हुए हैं, वो उसका यूज कर रहे हैं, उनकी ढाल बनाकर खुद बैक में बैठे हुए हैं। देखिए, शाहीनबाग में पार्टी चलती है, बिरयानी चलती है, नाच गाना चलता है, ड्रामा चलता है, नौटंकी चलती है, भाषण चलता है, राजनीतिक पार्टियां आती है और वो कांग्रेस के वो जो है वो तो आके बोलते हैं मोदी जी कातिल है। होता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के चले गए। आपका जो राजनीतिक मंच है साहिबबाग, जो राजनीतिकों से घिरा हुआ है और सारा खर्चा आता है, खाना पीना रहना और यहाँ तक कि पैसा, आपने पैसे को इनकार कर दिया, हमें 500-700 रुपये में बदनाम किया जाता है, लेकिन खाना पीना कहाँ से आ रहा है? खीर वगैरह, बिरयानी वगैरह, डेली का पैकेट बन बन के जा रहा है नाश्ते का। अब क्या हुआ कि वो साहिनबाग नहीं रहा वो वाली बाग, अब साहिनबाग राजनीतिक पार्टी हो गई। राजनीतिक पार्टियां बैक साइड से पैसा बेचती है, सामान बेचती है खाने पीने का और एंजॉय इंटरटेनमेंट के लिए वो वहां बैठे हैं। सोचने की बात है, CAA क्या है? जो हिंदू वहां पर उत्पीड़ित है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, उन्हीं को तो ले रहे हैं। और 75% बेचारे दलित है, उन्हीं का शोषण हुआ है, उन्हीं की मां बहनों को गैंग रेप हुआ है। अभी नाना काना साहब देखिए, जो सिख समुदाय है, हिंदू है वो बेचारे, आज उनके नाना काना साहब के ऊपर आक्रमण हुआ, यहां खून 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 जल गया, खून गर्म हो गया लोगों का कि हमारे जो सिख भाई है उसके ऊपर वहां पाकिस्तान में आक्रमण हुआ और वहां पर बोला गया कि उसे गुलामी मुस्तफा कर दिया जाएगा, वो गुरुद्वारा तोड़ के वहां मस्जिद बनाई जाएगी। क्यों, किसी को तकलीफ नहीं हुई? बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई लोगों को। हिंदू सबसे पहले उनके साथ खड़ा हुआ, मन से, दिल से, कि कल को कुछ होगा तो हम इनके साथ हैं। तो ये चीज है, उनके उनकी बेटियों के साथ गैंग रेप हुआ, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया पंजाबियों का, क्या ये भूल गए? वहां पर लाखों मंदिर तोड़ दिए गए, हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, धर्म परिवर्तन किया गया, रेप किया गया, ये भूल गए? फिर मैं याद दिला देता हूं, हमारे भारत के, मैं फिर से बोल रहा हूं, भारत के जो भोले भाले मुसलमान है वो इसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बांग्लादेशी, आज लिख लीजिए आप, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी और वर्मा से आए हुए मुसलमान का इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा इस 1 साल के अंदर, 1 से 2 साल में 100% जाना पड़ेगा, 1-2 साल भी नहीं, अब जाना ही पड़ेगा। साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया, अब उन्हें यहां से इंडिया छोड़कर, अपना सामान छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर बेचारे यहां इंडिया में आए हैं शरणार्थी, जिनके ऊपर न्याय अत्याचार हुआ, रेप हुआ, गैंग हुआ। यहां से है तो हिंदुस्तान की वजह से सेफ है, इंडिया की वजह से सेफ है वो मुसलमान। और मैं, जो हमारे भाई बहन जो मुस्लिम है, जो हमारे भारत के मूल मुसलमान है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि
कि आपका आपके बच्चों का भविष्य खराब करने में ये मुसलमान है जो बांग्लादेश पाकिस्तान, ये आतंकवादी मुसलमान जो बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगान से आए हुए हैं और वर्मा से आए हुए हैं, उनसे सावधान रहना आप लोग कोई भी हालत में। और दूसरी तरफ मैं फिर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान, थोड़ा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान, चाइना ने पाकिस्तान को खरीद लिया है, गुलाम बना चुके हैं चाइना 5,00,000 करोड़ रुपए में। अगर मेरी बात को विश्वास नहीं हो तो इंटरनेट में सर्च मार के देख लेना, पाकिस्तान से अगर संपर्क हो तो वहां पर फोन करके पूछ लेना। 5,00,000 करोड़ रुपया जो है वो चाइना ने देने का वादा किया है और वहां पर काम हो गया है। और सबसे बड़ी बात है वहां का जो टापू है उस पर चाइना का कब्जा हो चुका है, जो कि बांग्लादेश ये जो टापू था वो पाकिस्तान का जो टापू था उस पर कब्जा हो गया है। और जो अफगान तक जो रोड गई है पाकिस्तान के बीच से, इतनी बड़ी रोड जो एकदम आलिशान, वो जो रोड है ये पूरी रोड जो है चाइना ने कब्जा कर लिया है, चाइना के अधीन हो गया है। अब पाकिस्तान जो है जो उसके माया जाल में फंस चुका है चाइना के, और चाइना उसके अधीन हो गया है, गुलाम हो गया है। चाइना ने पाकिस्तान चाइना के गुलाम हो चुका है। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं हो तो आप इंटरनेट पे खोज लेना। आज चाइना जो है धीरे 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 अपने पैर जो है और हाथ जो है फैला रहा है, और अब उसको पता है इंडिया तो बिकने वाला नहीं, इंडिया पर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये इंडिया ऐसा 10 चाइना को उड़ा सकता है, 10 चाइना को उड़ा सकता। आज विश्व गुरु के दौड़ पर इंडिया खड़ा हो चुका है, तो सोच सकते हैं कि इंडिया की जो ताकत है वो कितनी है। आज इंडिया की जितनी ताकत है ना, वो अड़ोस पड़ोस देश दूर दूर तक नहीं है, अमेरिका के बाद इंडिया का ही नंबर आता है, सेकंड एंड लार्ज। लेकिन आने वाले समय में हम अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएंगे कुछ ही सालों में। लेकिन इंडिया को आज टक्कर देने वाला विश्व में कोई नहीं है, ये बात आप ध्यान से रखना। और जो हमारे भारत के भोले भाले मुसलमान है, जो बेचारे धर्म की आड़ में, भाईचारा की आड़ में, या उसको भ्रमित किया गया, या माइंड वॉश किया गया, या उसे बेवकूफ बनाया गया, या फिर उसको भाई भाई का नारा देकर, या फिर उसको झूठा समझाया गया, वो बेचारे मुसलमान मुसलमान मुस्लिम मुस्लिम बोलकर आज जो है आतंकवादियों के साथ धीरे धीरे घुल मिल गए हैं वो बेचारे। आज मैं बता रहा हूं कितने शर्म और लज्जा की बात है ये। तो मैं बता रहा हूं कि एक तरफ चाइना से भी वार, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि गृह युद्ध से विश्व युद्ध की तरफ भारत बढ़ रहा है, और ये अब ज्यादा समय नहीं है। अगर मुस्लिम कौम जो यहां रहती है, जो हमारे भारत के भोले वाले मुसलमान हैं, उनके बच्चों का जो भविष्य खराब करने वाला है, और वो है उसका जो जिम्मेदार होगा वो यही होगा, पाकिस्तान, जो आतंकवादी पाकिस्तान, आतंकवादी बांग्लादेश, आतंकवादी अफगानिस्तान और वर्मा से आए हुए आतंकवादी मुसलमान, यही जो है पूरे के पूरे श्रेय जो है उनका भविष्य खराब करने के लिए यही रहेंगे। हमारी बात को सीरियसली ले। हम आज भी कहते हैं कि हमारे हिंदू जो 1947 में जो बंटवारा हुआ था धर्म की आड़ में, जो कि हिंदुस्तान हिंदुओं का और पाकिस्तान मुसलमानों का, ये जो आड़ में जो बंटवारा हुआ था उस समय, मैं फिर बताना चाहूंगा कि वो जो मूल मुस्लिम है जो यहाँ रह गए, जिनको भारत का भरोसा था, वो यहाँ पर रहे और यहाँ पर टिक के रहे, उनके लिए ये जमीन हमेशा रहेगी और जिंदगी भर तक रहेगी, उनके परिवार के लिए रहेगी। लेकिन बाहर से आए हुए एक भी सिंगल जो बाहर से आए हुए आतंकवादी, जिसको आप भाई समझ रहे हैं, झूठ मूठ का जो भाई बना हुआ है, आपके साथ रिश्ता जमाया हुआ है, उसके लिए 1 इंच भी जमीन नहीं है, 1 सूता भी जमीन नहीं है, 1 रेत बराबर भी जमीन नहीं है, 1 कण बराबर भी जमीन नहीं है। उसको यहां से जाना पड़ेगा, नहीं तो उनका दुर्भाग्य, जैसे ही एक्शन लिया जाएगा उनका, समझ लीजिए भविष्य भूत भविष्य वर्तमान सब खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और जो उनका साथ देंगे उसका भी खराब हो जाएगा। जो उनके साथ रहेगा, गुनहगार वो नहीं जो गुनाह करता है, गुनहगार वो भी है जो उसका साथ देता है। आतंकवाद वो नहीं जो आतंक फैलाता है, आतंकवाद वो भी है जो आतंकवाद के साथ खड़ा रहता है। इसलिए मैं भारत के भले वाले मुसलमानों को ये बोल रहा हूं कि आप इस लोक से ऐसे आतंकियों से थोड़ा सावधान रहे, थोड़ी दूरियां बनाए। हमारा काम आपको डराना नहीं, लेकिन हमारा जो हमने जो शब्द बोला है
उसकी आड़ में आपकी भी बर्बादी दिख रही है। ये लोग आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यही मुसलमान आपको ढाल बनाए हुए हैं। यही मुसलमान जो बाहर से आए हुए हैं वो आपको आगे कर अपने पीछे से रोटियां सेक रहे हैं। और यही राजनीतिक पार्टी चाहती है कि आप वहां रहे। फिर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये जो जो आप देख रहे हैं भीड़ भड़कता कोई भी कर सकता है। एक छोटा सा नेता खड़ा होकर भी 550,000 1 करोड़ आदमी को, मतलब 5 लाख 7 लाख 2 लाख 10 हजार 20 हजार आदमी की भीड़ इकट्ठा कर सकता है। एक छोटा छोटा लोग भी जो है भीड़ इकट्ठा करनी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर भीड़ की आड़ में भेड़िया बन जाए ये एक बड़ी बात है। भीड़ की आड़ में आपका नरसंह जिस तरीके से ये जो आप करते हैं ना कि यहाँ भीड़ दिखा दिया, ताकत दिखा दी, ये इसमें आने जाने कुछ नहीं है कि आप 100 आदमी 500 आदमी 1000 आदमी को इकट्ठा कर लिए तो भीड़ हो गई है। शाहीनबाग में पूरा हिंदुस्तान के हिंदू नहीं गए हैं, ना ही पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान गए हैं। जो मूल मुसलमान है बेचारे वो अपने घर में बैठे हैं, उन्हें मालूम है, वो बार बार उन लोगों को समझा रहे हैं। और मैं फिर बताना चाहूंगा जो हमारे भारत के भाई और बहन जो मुसलमान जो बैठे हैं धरने पर, उनको मैं फिर से सावधान करना चाहूंगा कि मोदी योगी या भारतीय जनता पार्टी CAA पर एक इंच भी आगे पीछे नहीं हटेंगे। और आने वाले समय में जनसंख्या कानून होगा, कानून जनसंख्या लेके आना ही पड़ेगा और वो आएगा। 137 करोड़ 40 लाख से ऊपर जनसंख्या हो गई है भारत की, और भारत की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 50 करोड़ की है, लेकिन जिस तरीके से 100 करोड़ लोग जो बढ़ गए हैं, और आने वाले 3-4 साल बाद हम चाइना को इस जनसंख्या के मामले में पिछाड़ देंगे। 1 नंबर पर चाइना, 2 नंबर पर भारत। ये कोई रेस का घोड़ा नहीं है कि नंबर 1 पर आना है जनसंख्या को लेके। इसलिए आप जागरूक होइए। आपके घर में अगर 40 बच्चे रहेंगे तो 40 को काम नहीं मिल सकता, 4 बच्चे को काम मिल सकता है, बाकी जो 36 बच्चे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे या दर दर की ठोकरें खाएंगे, उसका भविष्य नहीं बनेगा, या वो आतंक के दौर पर चले जाएंगे और या छीना झपटी गुंडा बदमाशी करेंगे। मुझे ये पूरा भरोसा है, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा आतंकवादी बने, चोर बने, डकैत बने, या फिर खूनी बने या बलात्कारी बने, तो उनका भविष्य खतरे में है। आप ध्यान रखें, जनसंख्या कानून को समर्थन करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, लेकिन जनसंख्या कानून को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या कानून आने वाला है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है चारों तरफ, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है, जमीन नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है, खाने को लिए अन्न नहीं है उतना ज्यादा, और सबसे बड़ी बात है कि पीने को लिए पानी उतना ज्यादा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान पी सके, और सबसे बड़ी बात है जनसंख्या विस्फोट जो है टाइम बम से भी बड़ा रहेगा। मैं आपको फिर बताता हूँ, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा, एटम बम के समान रहेगा अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती गई। और जिस दिन हम चाइना के बरोबर में कदम रख देंगे, समझ लीजिए हम एटम बम पर पांव रख दिए, और जैसे ही हम चाइना से आगे बढ़ेंगे जनसंख्या मामले में, समझ लीजिए टाइम बम नहीं, एटम बम नहीं, ये फटने के कगार पर रहेगी। ये बात आप समझ लेना, भूमि ज्यादा नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखना। और जितने ज्यादा से ज्यादा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जितने भी आतंकवादी है वर्मा के, वो हिंदुस्तान छोड़ के, एकदम मैं मेरी क्लिप में बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए, उसी में उसका भविष्य है, नहीं तो यहाँ पर उनका भविष्य अब जो है खत्म है, पूरा स्वाहा। और एक बहुत अंदर की बात आपको बता देता हूँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं भाई, वो आपको उल्लू बना रही है, लेकिन CAA, NRC, NPR में अंदरूनी, फिर से मैं बता रहा हूँ, अंदरूनी मोदी के साथ खड़ी हो चुकी है। ये बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए। हम CAA, NRC, NPR का हम विरोध करेंगे, लेकिन आपके साथ अंदर में हम मिले हुए हैं, आप इसको लागू करो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हम अपनी राजनीतिक पार्टियों में हम अपना वोटर तोड़ नहीं सकते, इसलिए मंच पर खड़ा होकर हम आपका विरोध करेंगे। आप हमारे ऊपर थूको, हम आपके ऊपर थूके, और अंदर से हम ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है बेचारे, कम से कम ये मेरी बात तो समझ लो, जो भारत के मूल निवासी है, जो भारत के मूल मुसलमान है, जो भारत की मिट्टी के मुसलमान है, वो समझ लो, आप गरीबों का, हिंदुओं का नुकसान नहीं होने वाला 1.1% भी, और वो मूल जो मुसलमान है उसका भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मुर्गा बनाया जा रहा है। ये बात आपको समझ लेना चाहिए और अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए।
देखिए मैं इतना बोल रहा हूँ इसी के अंदर सारे अर्थ और सारी बातें आप में समाई हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भारत के सामने चाइना भी है, चाइना से भी वार कभी भी हो सकता है, और पाकिस्तान और पीओके है, और जिस दिन पाकिस्तान और पीओके पर वार ढंग से हो गया, हिंदुस्तान वार कर देगा, उस दिन पीओके और पाकिस्तान हमारे हाथ में होगा। पाकिस्तान को डर था कि हमारे ऊपर कभी भी वार होकर हिंदुस्तान कब्जा कर सकता है, पीओके पर कब्जा कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने जो है चाइना के साथ हाथ मिलाया और चाइना के साथ एक बड़ी रकम से रकम लेकर पाकिस्तान बेचने की साजिश कर लिया। 5 लाख करोड़ में पाकिस्तान बिक चुका है। अब जब ये तो आपके ऊपर भी ले लीजिए, सपोज करिए आपने किसी से, आपकी औकात नहीं है और आप 1 करोड़ रुपया किसी से ले लेते हैं, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है आप दे नहीं पाएंगे, तो आप उससे दबते रहेंगे। सामने वाला जैसा नाच आपको नचाएगा वैसा आप नाचते रहेंगे। और जब सामने वाला आपको मानसिकता से आपको हर तरीके से गुलाम बना लेगा धीरे धीरे, उसी तरीके से चाइना जो है धीरे धीरे अपने कवच में लेता जा रहा है पाकिस्तान को, और उसको गुलाम बनाता जा रहा है, और गुलाम बनाकर वो फिर अपना राज वहां स्थापित करेगा, और वही मुसलमानों की गति होगी जो पाकिस्तान जो चाइना चाहता है। ये बात आप उखाड़ के देख लेना, यही चल रहा है। थोड़ा बहुत न्यूज देख लिया करिए, थोड़ी बहुत दुनिया के विषय में जान लिया करिए। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में धरने में बैठने से आप बहुत बड़े हो गए हैं, आप बड़े नहीं हुए हैं, आपको बलि का बकरा और मुर्गा बनाया गया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को रखता हुआ धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप हमारी बात को गौर से सुने, समझे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सारे मुसलमानों को ये मालूम चले कि किस तरह से आतंक का नंगा खेल जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बर्मा से आए हुए मुसलमान यहाँ खेल रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी आपको मिल जाएंगे तो विश्वास ना हो तो आप तो यहाँ पर एक सोना गाछी बोलकर है बंगाल में, सोना गाछी रंडी पाड़ा है, आप वहां जाके सर्वे कर लेना, आपको वहां पर जो बांग्लादेश से आई हुई कई रंडियां मिल जाएगी, जो मुस्लिम है, जो मुसलमान है, जो बांग्लादेश की मुसलमान से आकर यहाँ धंधा कर रही है। और विश्वास नहीं हो तो यहाँ पर इको पार्क है, इको पार्क में हर शनिवार या छुट्टी हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जब भी इच्छा हो आप चले जाना, खुला सेक्स होता है, खुला रेप होता है, और वो सारे के सारे टोटल बांग्लादेशी है। आपको अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो आप इसका सर्वे कर लेना। मैं इसी के साथ जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय हो, जय हनुमान।